रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे तो एक शख्स ने बकरी के पहलू पर पैर रखा हुआ था और वो छुरी तेज कर रहा था, यानी बकरी को उसने गिराया हुआ है, लिटाया हुआ है और पहलू पर पैर रखा हुआ है और साथ साथ वो छुरी तेज कर रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाई, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे तुम इसे दो मौतें देना चाहते हो, दोहरी तकलीफ में गोया तुम मुब्तला करना चाहते हो, इसके सामने ही तुम छुरियां तेज कर रहे। हुजूर फरमाने लगे दो मौतें देना चाहते हो, चाहिए था कि पहले से ये सारे औजार तुम्हारे तैयार होते तो उस दिन किसी इमरजेंसी का शिकार ना हो। तीन दिन शरीयत ने इसीलिए तो रखे थे, इसलिए तो वक्त रखा था, आप इस तरह का कोई माहौल ना बनाए जिससे जानवर को भी तकलीफ हो, अजियत हो। मैंने कहा कि मेरे करीम फरमाते हैं रब ने हर चीज पर एहसान करना फर्ज किया, अच्छे तरीके से सिबा करें, छुरी को तेज करें, जानवर को आराम पहुंचे।